एक प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ आपका न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और आज का ब्लॉग बहुत एक्साइटिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा आपको इसमें बहुत ज्यादा एंजॉय मिलेगा, एंटरटेनमेंट मिलेगा, क्योंकि आज जो है जो YT के आन बान शान और डॉन का बर्थडे है, YT के डॉन का बर्थडे है, जिससे बहुत से लोग थर थर कांपते, जैसे डॉन से कांपते थे ना ऐसे ही कांपते हैं, लेकिन कोई कोई नहीं कांपता। जापान के हैं वो एचक्वे, हिरोमी, मोहम्मद और क्या क्या नाम है, और कितनी सारी बहनें हैं, बहनों की तो कोई गिनती नहीं है कि कितने बहनों का सपोर्ट करते हैं। और सहेली केवल एक मैं ही हूँ, जैसा कृष्ण भगवान की जो सखियाँ होती थी ना, जैसा गोपियाँ होती थी, ऐसे ही वो मेरी सहेली है। इतना सपोर्ट करा है कि मैं आपको बता भी सकती, शब्दों में नहीं कह सकती, क्योंकि जब मैं YouTube पर आई तो मुझे इतना पता ही नहीं था, बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं था, लेकिन वो इसमें मतलब केवल सपोर्ट करने के ही लिए, ये नहीं कि मेरा चैनल आगे जाए ये करे, लेकिन सबको सपोर्ट कर दे, जो न्यू यूट्यूबर होते हैं ना, जो नए नए होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं। और देखो अपने घर में भी हैं, सब लोग हैं, रिश्तेदार भी हैं, अपने भी हैं, लेकिन इतने टाइम तक हम जब लाइव करते थे, एक घंटे तक लाइव में रहना या डेढ़ घंटे दो घंटे, जब तक भी मैंने लाइव करी है पूरा फुल सपोर्ट रहा है। आज अब और साथ में उनकी बहन मतलब मेरी भाभी जो है मंजू है ना, तो वो दोनों इस तरह से रहे हैं कि फुल सपोर्ट करा है सब, कि जब दो तीन आदमी हमारी लाइफ में रुके रहेंगे जभी तो सब रहेंगे। और केवल मेरे को ही सपोर्ट नहीं है, औरों को भी क्या ही अकाउंट से जा के दूसरों को भी सपोर्ट करना, तो बहुत बड़ी मायने। और आज उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे टू यू सहेली, हैप्पी बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। पर थोड़ा सा ना मतलब वैसे चैटिंग में तो बहुत तेज है, बहुत चैट करके हिंदी में लिख लेता है, लेकिन यदि बोलने को कहो तो आज एक शब्द निकलता है मुंह से तो दूसरा शब्द अगले दिन निकलेगा, और लिखने में ऐसे माहिर है कि सबको मात दे दे। पर आप सब लोगों का सपना है, मेरा भी सपना है कि एक दिन मैं आपको मतलब लाइव में दिखाऊं, या फिर मैं ऐसी वीडियो बनाऊं कि जिसमें मैं उसको कूटूं, है ना, कूटूं, क्योंकि पता है इतना नाक पर गुस्सा रहता है, बहुत जल्दी बुरा मान जाता है, कभी किसी से कभी किसी से, सपोर्ट तो बहुत करता है लेकिन बुरा भी बहुत मानता है। अब उनके चाहने वाले हैं और जो चैनल वाले हैं, जिसने भी जितनी मेरे को वीडियो दी है उनके बर्थडे के लिए ना, तो वो मैं आपको दिखाऊंगी किस किस ने कितनी दी है। पर मैं जरूर एचक्यू को लड्डू खिलाना चाहूंगी। लीजिए लड्डू, खाई मुँह खोलो, मुँह खोलो और ये खाओ लड्डू। और ये लड्डू है आपके लिए कि मुंह तो मीठा होना चाहिए बर्थडे के दिन, है ना। और अब आपको दिखाते हैं किसने क्या कहा है ना, और सबने वीडियो बना बना के दी है, कुछ ने तो दे दी है और कुछ और देने वाले जितने भी देंगे, पर ब्लॉग बहुत अच्छे होने वाला है, बिल्कुल भी स्किप ना करें। हैप्पी बर्थडे टू यू HQA, तुम जियो हजारो साल, साल की दिनों हजार, दिन रात चौगुनी तरक्की करो, हैप्पी बर्थडे टू यू। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं HQA ब्रो, आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हमेशा सबके दिलों पे राज करते रहें। और भगवान से हम बार बार यही दुआ करते हैं कि परमात्मा आपको हर खुशी दे, आपके परिवार को, आपको और आपका दिन शुभ हो। हेलो YT की डॉन HQA, हैप्पी बर्थडे टू यू।
इस साल भी आपको ढेर सारी पीयूपी मिले और आप उन्हीं सब पीयूपी से घिरे रहे और परेशान रहे। ये शुभ दिन आपके जीवन में आता रहे बार बार और हम भी करते रहे आपको जन्मदिन मुबारक हर बार। एचके थैंक यू फॉर टुडे यस्टरडे एंड एवरी डे। आपके लिए एक शेर अर्ज किया है, फूलों में फूलो तुम, झूलों में झूलो तुम, बस यही दुआ करते हैं हमें कभी ना भूलो तुम। वंस अगेन विश यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। तो आपके लिए देखिए मैंने कितनी अच्छी डेकोरेशन भी की है। बाय बाय, थैंक यू। हेलो एचक्यूए, कैसे हो आप? अच्छे होगे मैं जानती हूँ। मेरा नाम श्री है और मेरे चैनल का नाम श्री फूड्स है और मेरा बहुत ही अच्छा फ्रेंड है एचक्यूए यानी हिरोमी काजी आरिफ, जो कि एक जैपनीज़ है और उनका आज बर्थडे है। वो बहुत ही अच्छी हिंदी जानते हैं, हिंदी मतलब बोलते उतना अच्छा नहीं है क्योंकि बोलते समय थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन वो हिंदी बहुत अच्छी समझते हैं और मैं उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि हमारे फ्रेंड बने। और सबसे ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ मैं आंटी जी, अंकल जी और भगवान जी का कि उन्होंने इस दुनिया में इस इंसान को भेजा 15 मई को। तो 15 मई को उसका बर्थडे है, इसलिए उसका हैप्पी बर्थडे टू यू, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करें, हमेशा खुश रखें, हमेशा स्वस्थ रखें, हमेशा मस्त रहो, ऐसे ही हमेशा मुस्कुराते रहो। तो चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा नहीं बना सकती हूँ। हेलो एवरीवन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं और मेरे चैनल का नाम है आदि फैमिली ब्लॉग। आज मैं आई हूँ एस त्यागी दीदी के चैनल पर। आज हमारे यूट्यूबर जो सबके मतलब चाहने वाले, सब उन्हें पसंद करते हैं और फेमस यूट्यूबर है हमारे, तो उनका है आज बर्थडे, तो उनका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। आप लोग भी विश करना। आप लोग समझ तो गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूँ। जी हाँ, एच पी जी का आज बर्थडे है तो उनको विश करना, और मैं भी कर रही हूँ, मेरी पूरी फैमिली भी उनको विश कर रही है। बस थोड़ा सा गुस्से वाले हैं, गुस्सनाक पे रहता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए फिर बाद में नॉर्मल हो जाते हैं। और पशु पक्षियों को इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मोकी जी में तो इनकी जान बसती है और मोकी जी भी ना इतना क्यूट है, मतलब खुद ही इंसान उससे प्यार करने लगता है। बहुत ज़्यादा क्यूट है और एक्टिव है, डांस इतना अच्छे से करता है, जब प्रीमियर चलता है हम लोग देखते हैं तो मोकी जी बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगता है। और एच पी जी इतनी ज़्यादा मतलब सबको सपोर्ट करते हैं, बहुत ही सपोर्टिव इंसान है। और औरतों की तो इतनी मतलब लेडीजों की इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा। सामने से किसी को कुछ बोलेंगे नहीं, अगर कोई कुछ बोलेगा तो फिर छोड़ेंगे नहीं। तो जी बस गुस्सा उनके हमेशा नाक पे रखा रहता है, लेकिन थोड़ी बहुत देर के लिए ही रहता है, फिर बाद में नॉर्मल हो जाता है। नाक फुला लेते हैं फिर नाक बंद हो जाता है, मतलब गुस्सा शांत हो जाता है। तो जी ये तो थी हंसी मजाक वाली बातें जो हमारी पूरा दिन लाइफ में चलती है। लेकिन हाँ ये है कि हम सबका इतना अच्छे से अटैचमेंट हो गया है, इतना अच्छा सा एक रिश्ता बन गया है। एक दूसरे के बिना कोई लाइफ में नहीं आता तो उसको मिस करते हैं, और एच पी जी के बिना तो लाइफ में बिल्कुल रौनक नहीं रहती है, ऐसा सुनसान सा लग रहा था, बिल्कुल भी किसी का भी मन नहीं करता, हर कोई उन्हें बहुत ज़्यादा दिल से पसंद करता है। तो जी उनके लिए अच्छी अच्छी विशेष करना, दुआ करती हूँ आप हमेशा खुश रहे, स्वस्थ रहे और आपके जितने भी सपने हो वो पूरे होए। एच पी जी हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुनीता शर्मा, मन की बातें मन के काम, ये है मेरे चैनल का नाम। और आज मैं आई हूँ त्यागी जी के चैनल पर, त्यागी जी के चैनल पर मैं आई हूँ एचके भाई का बर्थडे विश करने। तो हैप्पी बर्थडे एचके भाई, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और यंग रहिए हमेशा, और हमारा और आपका साथ यूं ही हमेशा बना रहे। तो ये था मेरे भाई के लिए थोड़ा सा एक बर्थडे विश, और एचके भाई के लिए त्यागी जी के चैनल से बर्थडे विश कर रही हूँ। भाई अपनी बहन को कभी ना भूलिए। हेलो, मैं हूँ सुरभि रेसिपी कॉर्नर से सुरभि। आज है एचक्यूए भाई का बर्थडे, एचक्यूए हिरोमी मोहम्मद दिलफेक प्यू प्यू कुछ भी बोल लो आप उन्हें, वो सबसे बेस्ट हैं, केयरिंग है, खुशमिजाज हैं और प्रोटेक्टिव नेचर के पर्सन हैं। खुशियों से भरा जीवन मिले उनको, प्यार से भरे पल मिले उनको।
हर पल में एक भी गम ना आए, ऐसा आने वाला कल मिले उनको। विश यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे भाई। आप हमेशा खुश रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु मिले आपको और हर जीवन में हर वो चीज मिले जो आप डिजर्व करते हो, जिसे आप अचीव करना चाहते हो। हमेशा 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 खुश रहो, सच्चे दिल से यही दुआ है मेरी। आई एम वेरी थैंकफुल कि भाईटी के थ्रू मुझे आप जैसा पर्सन एज अ भाई मिला। मैं प्रे करूंगी हमारा सिबलिंग्स बॉन्ड हमेशा बना रहे। Everyone, hello beautiful peoples who are watching me from AS Tyagi channel and thank you Anjana Di for giving me this opportunity. So AS Tyagi ke sabhi channelon ko mera pranam, bahut sara pyar guys. Me Sarika from Jeevan Shaili with Sarika and aaj ek bahut acha occasion hai aur Anjana Di ke channel ke through hum aaj HQA ji ko matlab bahut from very deep of my heart wishing you a very very happy birthday HQA. Aap isi tarah jo aap acha kaam zindagi mein kar rahe hain, aap isi tarah karte rahe, भगवान अल्लाह जिसको भी आप मानते हैं वो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स, आप एक ब्लेस्ड मतलब पर्सन है जिनको मैं अपने दिल से बहुत सारी जो है वो ब्लेसिंग्स दूंगी। सो वंस अगेन विशिंग यू अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे HQA, एंजॉय योर डे, बाय बाय, टेक केयर। गाइस सब आपने सबके विचार सुने, सबने बर्थडे विश किया, एक बार और मैं कहना चाहूंगी हैप्पी बर्थडे।